This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। और प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा कानूनी, आर्थिक और टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की भी राय चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। दिल्ली NCR में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण घरों की सुरक्षा बनी अहम वजह। सुरक्षित सोसाइटीज में घर लेने के लिए लग रही है होड़। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और गर्मियों में राहत दिलाने के लिए कौन सा AC या कूलर रहेगा बेहतर। जब बिल्डर मकान बेचते हैं तो अपने बनाए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजाम वो अपने विज्ञापनों और ब्रोशर में जरूर डालते हैं। आखिरकार लोग वही मकान खरीदते हैं जहां वो महफूज महसूस करते हैं। लेकिन दिल्ली NCR बार बार सुरक्षा की कसौटी पर खरा उतरने में नाकाम रहा है, और वो भी खासकर महिलाओं के लिए। ऐसे में क्या प्रॉपर्टी खरीदने के फैसले पर भी लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर मौजूद ये खौफ हावी होता है या नहीं, ये जानने की कोशिश की हमने। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर, पब्स, कैफेज, हर वो चीज जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप एक तेज रफ्तार वाले मॉडर्न शहर में हैं। लेकिन हर शहर के कई चेहरे होते हैं। इस चमक के पीछे दिल्ली NCR का एक और बहुत ही डरावना चेहरा है, खासकर महिलाओं के लिए। NCR में रहने वाली महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। पहली बार लोगों के इस डर को राजनीतिक पार्टियों ने पहचाना है और उनकी सुरक्षा दुरुस्त करवाने के वादे पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि NCR में महिलाएं हमेशा डर के साए में जीती हैं, और यही वजह है कि जब परिवार रहने के लिए मकान खरीदते हैं तो ये डर भी उनके प्रॉपर्टी खरीदने के फैसलों पर हावी होता है। ज्यादातर परिवार पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय 24 घंटे की निजी सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं। प्रीति आनंद 7 साल पहले साउथ दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुई और उस वक्त प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उनकी पसंद साफ थी। कोठी भी उतने प्राइस की पड़ रही थी, पर हमें ये था कि हमें एक सिक्योर माहौल चाहिए, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, तो अकेले रहते वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर मैं और मेरा बच्चा 4 साल का अकेला है तो आसपास हमें सिक्योरिटी है, कोई रात को हमारे घर नहीं आ सकता, कोई चोरी नहीं हो सकती, मेरा बच्चे को कोई उठा के नहीं ले जा सकता, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इतना हम क्लियर थे कि अगर गुड़गांव में रहेंगे तो एक गेटेड कम्युनिटी में ही रहेंगे। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अध्ययन में पता चला है 43% कामकाजी महिलाएं NCR से बाहर किसी दूसरे शहर में रहने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए वो अपनी तनख्वाह में कटौती तक लेने में नहीं हिचकेंगी। अध्ययन में 80% महिलाओं ने कहा कि वो दिन की शिफ्ट में काम करना चाहती है, और 64% का मानना था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के किसी न किसी तरह से उनके काम पर असर डाला है। इन तथ्यों ने उस बात पर मुहर लगा दी है जो सबको पता है। यही वजह है कि कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां अब अपनी सोसाइटीज में रहने या काम करने वालों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने की जुगत में हैं। DLF फेज 5 अपने बाशिंदों की सुरक्षा के लिए CCTV के जरिए 24 घंटे निगरानी रख रहा है। इन हाई पावर CCTV से यहां की सड़कों पर हो रही हर गतिविधि की सीधी तस्वीरें यहां कंट्रोल रूम तक पहुंच रही हैं। अगर कोई हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम्स, डॉग स्क्वाड्स और यहां तक कि घुड़सवार सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। आग लगने की स्थिति के लिए DLF का अपना फायर स्टेशन है।
ये सुविधाएं देखकर ही कई लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने का फैसला करते हैं। सिक्योरिटी आज के ज़माने में सबके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर आदमी चाहता है कि अगर मैं अपने उसमें मन की शांति के लिए अपना काम अगर अपने लगन से करूं, अपने बेफिक्र होकर के अपने कहीं भी जाऊं और पीछे अगर मेरी फैमिली वहां पे सिक्योर है तो ये उसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ा और टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा रहा है। TLF में मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि सब कुछ CCTV सर्वेलेंस के अंदर है और कुछ भी होता है तो सबको ये पता है तो इंसिडेंट्स कम होते हैं यहाँ पे और बाहर जाने में इतना सिक्योर फील नहीं होता है, थोड़ा सा यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड। दुख की बात तो ये है कि जो सुरक्षा हमारी सरकार को हमें हमारे हक के तौर पर देनी चाहिए उसकी कीमत खुद हमें अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। दिल्ली NCR से अंजलि इष्टवाल की रिपोर्ट NDTV। और इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री गौरव गुप्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी राजनगर एक्सटेंशन और MD हैं SG स्टेट से, और श्रीमती सरिता बलोनी, सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट सेफ दिल्ली कैंपेन जागुरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। गौरव, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये बहस काफ़ी लंबे समय से होती आई है, दिल्ली NCR का इलाका बढ़ता गया है, दूर दराज के इलाकों में डिवेलपर्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए, उन इलाकों में जहाँ पर कई हद तक पुलिस भी अभी ढंग से नहीं पहुंच पाई है, ऐसे इलाके में जब घर बनते हैं, रिहाइश होती है, तो वहां के लोग जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चाहते हैं, तो डेवलपर क्या काम कर रहे हैं दिल्ली में नहीं NCR के इलाके में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? देखिए, अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में काफ़ी नए मकान बने हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है दिल्ली से बाकी और शहरों से, और यहाँ पे जो भी रहते हैं विद इन द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स तो हमारी सिक्योरिटी रहती है, 3-tier सिक्योरिटी है, EPBX सिस्टम है, CCTV कैमराज हैं, गार्ड्स हैं, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है एक इंसान जब अपने घर से बाहर निकलता है, ओवरऑल सिक्योरिटी और महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए डेवलपर्स क्या कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने राजनगर एक्सटेंशन में एक हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसके अंदर राजनगर एक्सटेंशन के जितने भी बिल्डर्स हैं वो सब एक अपने रिसोर्सेज पूल करके कॉमन सिक्योरिटी की फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 24 आवर्स रहेगी। दिस इज़ एन एडिशन, जो वहाँ पे लोकल पुलिस है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरतों को वो उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ बिल्डर्स आज की डेट में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, जिसमें वो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की फैसिलिटी मुहैया कराया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले लोग सिक्योर फील कर सकें। जी सरिता, अगर हम देखें तो जब तक इंसान अपनी कॉलोनी के गेट के अंदर है, अपने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के गेट के अंदर है, तब तक वो सिक्योर फील करता है, वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ। जैसे ही बाहर आता है उसको एक खौफ सा सताने लगता है, खास तौर पे महिलाओं को। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि दिल्ली NCR रीजन जो पूरा है वहाँ पर महिलाएँ खास तौर पर असुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं भी कई बार अनसेफ महसूस करती हूँ, और जहाँ तक मैं अभी भी TV में भी देखती हूँ और कई बार अखबारों में भी पढ़ती हूँ कि CCTV कैमरा लग चुके हैं तो हमारी सेफ्टी बरकरार है। मुझे लगता है कि हम इतना टेक्निकल होके सेफ्टी की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी हाँ ठीक है, लेकिन हम सेफ्टी की बात पूरी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने गेट लगा दिया, आपने एक गार्ड भी उसमें खड़ा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक खास तबके की बात कर रहे हैं, और वो खास तबका ऐसा हो सकता है कि जो पे कर सकता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक अपनी सुरक्षा को भुनाने के लिए कुछ पे करना चाहता है वो कर सकता है, या कोई सेफ्टी पिन की बात करें, या कुछ अभी एक सेफ्टी पिन लॉन्च भी हुआ है हमारे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जिनके पास फ़ोन अवेलेबल है वो तो उस सेफ्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब हम एक कुछ अलग तबके की बात करते हैं, जैसे हम घरेलू कामगार की बात करते हैं, जैसे हम सड़क पे जो भीख मांगने वाले हैं उनकी बात करते हैं, जैसे हम रेहड़ी पटरी वालों की बात करते हैं, जैसे जब हम अस्पताल से आने जाने वाली लोगों या खास तौर पे महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो CCTV कैमरा है वो कुछ एक लिमिटेड जगह पे ही है, या फिर कुछ लिमिटेड खास जो उच्च वर्ग की जो रिहायशी कॉलोनीज हैं सिर्फ वहीं पर हैं। गौरव, यहाँ पर मैं एक और बड़ा सीधा सा उदाहरण रखना चाहूँगा, काफ़ी लोग हमें लिखते हैं कि डेवलपर प्रोजेक्ट बना देते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर 4 गार्ड या 5 गार्ड बिठा देते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और वहाँ पर CCTV कैमरा लगा दिए गए। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो कि एक
एक्स सेक्टर में पड़ता है, जिससे थोड़ी ही दूर पर एक मेट्रो स्टेशन आया है। तो जो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं वहां से रोज मेट्रो स्टेशन तक आती जाती हैं, वो ये कहती हैं कि रात के समय जब वो ऑफिस से आती हैं, मेट्रो स्टेशन से अपने प्रोजेक्ट तक आती हैं, तो बीच में कोई भी स्ट्रीट लाइटिंग ना होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आती है। क्या डिवेलपर्स का फर्ज नहीं बनता कि वो एक फीडर मेट्रो सर्विस ही शुरू कर दें मेट्रो स्टेशन से लेकर प्रोजेक्ट तक लोगों को लाने ले जाने का, या ये थोड़ा सा अनुचित होगा डिवेलपर से एक्सपेक्ट करना? देखिए, ये बिल्कुल अनुचित नहीं होगा डेवलपर्स से एक्सपेक्ट करने के लिए। डेवलपर्स अगर ऐसी कोई फैसिलिटी स्टार्ट करते हैं तो ये ना ही एक उनको एक सोशल अपलिफ्टमेंट देता है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, जिसमें वो एक डायरेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ही प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों के लिए। मेरा मानना ये है कि शायद एक डेवलपर ये सुविधा अपने लेवल से प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट अगर उस एरिया के अंदर 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं तो सभी लोग सामूहिक तरीके से इस काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, हमने राजनगर एक्सटेंशन में इस चीज़ को प्लान किया है और मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्द इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, जिसमें हम 2 बस सर्विसेज स्टार्ट करेंगे जो कि पूरा दिन वैशाली मेट्रो स्टेशन से फीडर बस सर्विस का काम करेंगी। गौरव, यहाँ पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, वो ये है कि अक्सर हमने देखा है कि पुलिस स्टेशंस की कमी बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे नए जो जगह आई हैं उनके, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मामले में राज्य की तरफ से? देखिए, पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जो जिसका अपना एक प्रोसीजर है, और मैं आपके इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नई कॉलोनीज जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स आती हैं वहाँ पे शुरू में पुलिस स्टेशन नहीं होते हैं। जो एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन हैं उन्हीं से उनको फीडर किया जाता है, उन्हीं से उन एरियाज़ को अटैच किया जाता है। यहाँ पर हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फॉलोअप करें कि बाय द टाइम द प्रोजेक्ट्स आर रेडी यहाँ पे एक पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन डेवलप कर दिया जाए, ताकि रहने वाले लोगों को यहाँ पे तकलीफ ना हो। बाकी जो सरिता जी ने कहा उसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि उसका बेस्ट तरीका यही है दैट आवर वुमेन शुड बी रेडी फॉर सेल्फ डिफेंस, उनको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म लर्न करने चाहिए, और कम्युनिटी पुलिसिंग का जिस हिसाब से एक आप लोगों के बीच में एक एनवायरनमेंट जागरूकता बढ़ रही है, वैसे ही आने वाले समय में वुमेन के क्राइम कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जी, हमारा तो यही मानना है और हमारी तो यही सोच है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव डेवलपर भी लेते रहे, सामाजिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन भी लेता रहे और महिलाएं भी जागरूक हों, ताकि इस प्रकार के हादसे ना हों और सिक्योरिटी सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू बन के सामने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और इस अहम विषय पर आपने अपनी राय रखी।